हेलो टीचर्स, मेरा नाम है सोहन और मैं आपका स्वागत करता हूं क्लास प्लस के यूट्यूब चैनल पर। अगर ऑनलाइन टीचिंग के बिजनेस को बढ़ाने की है बात तो क्लास प्लस है हर कदम पर आपके साथ। अगर आप एक टीचर हैं, एडुकेटर हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप काफी लोगों को बहुत कुछ सिखाते होंगे, मगर यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाएं। तो वीडियो काफी डिटेल्ड होने वाली है, बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं आपको ये इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना कर दें। याद रखिए, एक भी पॉइंट छूटा ग्रोथ कवच टूटा। हाय, तो आज हम बात करेंगे कि एज अ टीचर आपको लैपटॉप चूज करते वक्त किन स्पेसिफिकेशंस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप एक टीचर हैं और आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो आपके लिए लैपटॉप की जरूरत तो पड़ती ही है। तो अगर आपका लैपटॉप अच्छा होगा तो स्टूडेंट्स तक आपका कंटेंट आसानी से और जल्दी पहुंचेगा। टीचर्स के लिए रिकमेंडेड लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सीपीयू से। आज के सीपीयू में मल्टी कोर्स होते हैं जिससे आपको काफ़ी अच्छी खासी स्पीड मिल जाती है। अच्छे सीपीयू वाले लैपटॉप्स की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी होती है और आपका काम स्मूथली चलता रहता है। बजट फ्रेंडली सीपीयू भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। अच्छे सीपीयू चूज करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ऐसा लैपटॉप चूज करो जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हो 8th to 11th जनरेशन कोर i3 या 3rd to 5th जनरेशन राइजन सीपीयू। कोर i5 या राइजन 5 सीपीयू ज़्यादा फास्ट होते हैं, लेकिन इसके साथ ही इनका बजट भी थोड़ा बढ़ जाता है। अगला है रैम। अगर रैम की बात करें तो अगर आपके लैपटॉप में अच्छी मेमोरी होगी तो आपका लैपटॉप बिना अटके चलेगा। फिर आप चाहे लाइव क्लास ले रहे हो या फिर कंटेंट पर काम कर रहे हो, अच्छी रैम से सब कुछ बिना किसी रुकावट के हो जाता है। अगर अच्छी रैम की बात करें तो 8GB तक रैम आपके लिए सफिशिएंट रहेगी और इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं होगा। विंडो 10 या 11 बहुत ज्यादा मेमोरी यूज करते हैं, इसके लिए आपको ऐसा लैपटॉप चूज करना चाहिए जिसको आप 8GB तक अपग्रेड कर पाए। अगला है डिस्प्ले। डिस्प्ले किसी भी लैपटॉप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके लैपटॉप की डिस्प्ले अच्छी होगी तो आपको सब कुछ अच्छे से और साफ साफ नजर आएगा। अच्छी डिस्प्ले की बात करें तो आपको फुल HD रेजोल्यूशन के लिए जाना चाहिए। 15 से 17 इंचेस की स्क्रीन बड़ी होती है, 13 की ओके होती है और 11 की छोटी होती है। फुल HD रेजोल्यूशन काफ़ी एक्स्ट्रा स्क्रीन स्पेस इंश्योर करती है। 2 to 4 एक्स्ट्रा इंचेस डिस्प्ले को काफ़ी बड़ा बना देते हैं, मगर प्राइस भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। अगला है कीबोर्ड। कीबोर्ड भी किसी भी लैपटॉप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छे और फास्ट कीबोर्ड से आप अपना काम और भी फास्ट तरीके से कर पाओगे। कीबोर्ड में नंबर पैड होना बहुत ज़रूरी है, मगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है बैकलिट फीचर होना। आपको ऐसा कीबोर्ड देखना चाहिए जिसमें फास्ट टाइपिंग हो और वो रेस्पॉन्सिव भी हो। ऐसे कीबोर्ड को अवॉइड करना चाहिए जिसमें स्लो या फिर हार्ड टाइपिंग हो। अगला है पोर्ट्स। लैपटॉप में पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस से तो आप सभी वाकिफ होंगे। अब चाहे आपको लाइव क्लास के लिए कैमरा सेट करना हो या फिर पढ़ाने के लिए पेन टैब, पोर्ट्स बहुत जरूरी होते हैं। सारे लैपटॉप्स में सब तरह के पोर्ट्स होते हैं सिवाय मैकबुक के। डिफरेंट तरह के पोर्ट्स जिनका आपको ध्यान देना चाहिए वो है USB पोर्ट्स, USB टाइप ए, USB टाइप सी, RJ45 ईथरनेट पोर्ट, SD कार्ड रीडर, HDMI पोर्ट और डिस्प्ले पोर्ट। अगला है वाईफाई कार्ड। अगर आपको इंटरनेट सर्विस का बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपके पास लेटेस्ट वायरलेस कार्ड वाईफाई 6 होना चाहिए और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका राउटर उसको सपोर्ट करे। वैसे वाईफाई 5 भी अच्छा काम करता है अगर आपका ओवरलोडेड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो। अगला है स्टोरेज। मेमोरी की बात करें तो आपको ऐसा लैपटॉप चूज करना चाहिए जिसमें कम से कम 128GB तक मेमोरी हो, जो कि काफ़ी होती है। आपके लैपटॉप में स्टोरेज के लिए SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव तो होना ही चाहिए। SSD आपके लैपटॉप को जल्दी बूट अप कर देता है और किसी भी सॉफ्टवेयर को सेकेंड्स में लॉन्च कर देता है। लैपटॉप में अच्छी स्टोरेज होगी तो आप अपना कंटेंट अच्छे से स्टोर कर सकते हैं और अगर आप वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं तो उन्हें स्टोर करके रखने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगला है डिज़ाइन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका लैपटॉप ऐसा होना चाहिए जिसको क्लीन करना आसान हो। आपको प्लास्टिक की जगह एल्यूमिनियम लैपटॉप्स चूज करने चाहिए, क्योंकि रिसर्च का मानना है कि COVID-19 जैसे वायरसेस
प्लास्टिक सरफेस पर ज़्यादा टाइम तक के लिए टिकते हैं। बड़े कीबोर्ड्स वाले लैपटॉप्स होंगे तो उन्हें क्लीन करना ईजी होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास ज़रूर पसंद आई होगी और आपका ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा कि लैपटॉप लेते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई आपकी बात, अब करते हैं ऐप की बात। तो अगर आप एक टीचर हैं या फिर अपना कंटेंट ऑनलाइन सेल करते हैं तो आप भी क्लास प्लस से अपने खुद के ब्रांड का एक ऐप बनवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ।